जनपद में विधानसभा चुनाव के लिए बसपा से सदर विधानसभा से प्रत्याशी ख्वाजा शमशुद्दीन और कांग्रेस से खजनी विधानसभा से प्रत्याशी रजनी देवी सहित अन्य 19 प्रत्याशियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन किया, जिसके संबंध में बसपा के सदर विधानसभा के प्रत्याशी ख्वाजा शमशुद्दीन ने बताया कि चुनाव जीतने पर शहर के जाम को दूर किया जाएगा और साथ ही सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाएगा। वहीं इस संबंध में कांग्रेस से खजनी विधानसभा से प्रत्याशी रजनी देवी ने बताया कि चुनाव जीतने पर मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा और रोजगार के अवसर को पैदा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए स्कूल बनवाया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कांग्रेस से खजनी विधानसभा के प्रत्याशी रजनी देवी, निर्दल प्रत्याशी राकेश कुमार निषाद एवं बसपा के शहर विधानसभा से प्रत्याशी ख्वाजा शमशुद्दीन ने कहा, एकलव सेना भारत। नीचे करा, नीचे करा। यार ये सुल्तान जान ना। सर दाखिल करने की बात किया जाए। देखो आज ये दाखिल कर लीजिए तो तुम घुमाते रहिएगा। ग्रामीण जी डाल दीजिएगा। खा जाओ विक्की करा विक्की। इधर घूमिएगा, इधर घूम जाइए, इधर हमारे तरफ आपका एक मिनट रुपये निर्दल है ना आपका। अरे हमारे सब बनाना है जो मुझे पड़ेगी। वैभव साई सभा के लिए विधान 323 ग्रामीण विधानसभा गोरखपुर। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी अगर चुनाव जीतते हैं? युवाओं की रोजगार, युवाओं को समस्याओं को लेकर के, और जो हमारे पास दिल्ली प्रमाण है, दिल्ली की तरह दिल्ली मॉडल इसको स्कीम को बनाया जाए उत्तर प्रदेश को। राकेश कुमार निषाद
विधानसभा 322 गोरखपुर। क्या प्राथमिकता रहेंगे चुनाव जीतते हैं तो? चुनाव जीतते हैं तो यही बस जो जनता की समस्या है महंगाई, और इसके बाद चिकित्सा, बहुत सी अनेक समस्याएं हैं जनता की। क्या कुछ सोचा होगा आपने कि मैं जीतता हो तो क्या करूंगा, क्या रहेगा? सबसे पहले तो बच्चों को, बेरोजगार हैं जो बच्चे, एजुकेशन के बाद से इन सबों को रोजगार देना सबसे प्राथमिकता प्रथम जो है, और उसके बाद से जो दूसरा है वो चिकित्सा। रजनी देवी, विधानसभा नामांकन के क्या प्राथमिकता रहेंगे जनता के लिए? जी क्या प्राथमिकता रहेंगे चुनाव जीत जाती हैं तो खजनी विधानसभा में? खजनी विधानसभा में चुनाव जीत जाते हैं तो जो समस्या है लोगों के लिए, विकास का काम करेंगे, जो भी समस्या है उनके लिए लड़ेंगे, अपने लोगों का भला करेंगे, जो रोजी रोजगार है, यही सारी समस्या है मेरे वहाँ। जैसे आपने सोचा होगा कि मैं ये करूँ, क्या लगभग हमारे वहाँ देखिए सबसे ज़्यादा परेशानी स्कूल की है, बेरोजगारी की है, सड़क की है, यही सब सारा काम है, यही सब हम लोग करेंगे। ख्वाजा शमसुद्दीन, शहर विधानसभा गोरखपुर। गोरखपुर शहर विधानसभा में जिस तरह से विकास होना था वो विकास भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नहीं कराया। पिछले 5 वर्षों में मैं देख रहा हूँ कि शहर के अंदर जो स्थिति है, जाम की स्थिति सबसे अहम मुद्दा है। गड्ढा मुक्त रोड की बात हुई थी, वो भी नहीं हो पाया। निश्चित तौर पे अगर हम गोरखपुर शहर विधानसभा से विधायक बनते हैं, जो अधूरे सपने हैं, जो अधूरे विकास है, उसको कराने के लिए हम तैयार होंगे। और आज प्रदेश की जनता, देश की जनता जो है BSP की सरकार को लाना चाहती है, और उत्तर प्रदेश में बहन मायावती 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगी, चारों तरफ विकास होगा।